रॉनी की तरफ से यहाँ पे फाइनल बॉस को डाउन करेगा, फियर्स ऑफ फाइनल बॉस का कंफर्मेशन निकालेंगे, टीम ब्लाइंड के लिए एक अच्छी शुरुआत है और केविन के लिए दिख रहे, मगर अक्षत लाला का वो नहीं नॉकआउट करने में सक्षम रहेगा। देखिए अभी तक तो यहाँ पर हमने देखा है इस बैटल में कि जो पहला नॉक निकालता है अक्सर वही ये बैटल जीतता है, पूरी तरीके से ट्रेड निकालते नजर आ रहे हैं और इस समय हावी हो रहा है टीम शैडो के प्लेयर्स एक एक करके, टीम सोल के प्लेयर्स को दिक्कतों में जरूर डाल रहा है, लेकिन ओमेगा और हेक्टर का ये डेडली डुओ, ये डेडली कॉम्बो दोबारा से इस बैटल में यहाँ पर अपनी टीम के लिए थोड़ी सी यहाँ पर जो शंका यहाँ पर जताएगा और बहुत आसानी से यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा जो प्रोबेबिलिटी अब देखने को मिलेगी टीम सोल यहां से क्लच कर सकते हैं और एक 2v3 का ये सिनेरियो ऑलरेडी क्लच गॉड ऐसे में डाउन है और रिवाइवल उनको मालूम है अगर कंप्लीट करने दिया तो दिक्कतें बढ़ेंगी, बट हेक्टर को इस समय डाउन कर दिया जाएगा शेडो के सामने। यहाँ पर बहुत बखूबी तरीके से हमको जो है टीम शेडो के हित में यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए पोजीशन होल्ड कर बैठे हैं कि प्लेयर्स आएंगे तरफ तक खुलेंगे और एक स्पैम के दोनों प्लेयर्स को लेकर जाने की कोशिश रहेगी। एक इनिशियल डैमेज दिया बट नो व्हाट अ जंप शॉट, लाला उड़ते हुए आएंगे और वो डीपीएस करेंगे करके खत्म करेंगे, तो लेना चाहती तो है पर कंपाउंड ही छोड़ दे, मगर टीम गॉड लाइक वो एग्रेसिवली पुश करके रेडी हो चुकी है और एक बढ़िया पुश आपको आता हुआ देखा, एक खिलाड़ी को नॉकआउट किया भी है और साथ साथ सीधा पुशना चाहते हैं, मगर जेली भी नॉकआउट है, जी गॉड भी नॉकआउट है, रावण की एचपी भी काफी ज्यादा कम और आदित्य की वो नीड वो शैडो को डाउन करने में सक्षम रहेगी, सो दोनों ही दिशाओं से वो नॉकआउट का सिलसिला चलता हुआ दिखेगा, जरूर से एक और नॉकआउट निकालने का मौका एचपी काफी ज्यादा कम की जाएगी, आदित्य बड़े आराम से जीत सकते हैं इस फाइट को, जी हाँ फिनिश करेंगे और अब यहां से अपने दो प्लेयर्स को बचाना थोड़ा मुश्किल क्योंकि एक आखिरी खिलाड़ी बचा दिखेगा जो कि है विक्स की, और विक्स की He's trying to avoid those fights, वो कोशिश करेगी बस वो फ्रैग्स कंफर्म करें और निकल जाएं और विक्स की वो आए थे फ्रैग कंफर्म करें बट चली